कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। दैनिक योजना बनाते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? अधिक बाहरी गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए? दैनिक योजना का सख्ती से पालन करना चाहिए? सक्रिय और शांत गतिविधियों के बीच संतुलन रखना चाहिए? केवल पूरे समूह में की जाने वाली गतिविधियां आयोजित कर दैनिक योजना से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? सभी सही उत्तरों का चयन करें। नियोजित गतिविधि की अवधि, वो स्थान जहां गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? गतिविधि करवाने के लिए आवश्यक सामग्रियां। गतिविधि करने के लिए बच्चे क्या पहनेंगे? एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। सही उत्तर चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। सही जवाब। दैनिक योजना बनाते वक्त किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? हर रोज एक एकल और व्यक्तिगत गतिविधि, एक छोटे समूह में की जाने वाली गतिविधि और एक बड़े समूह में की जाने वाली गतिविधि की योजना बनाई जानी चाहिए। बच्चों द्वारा खुद चुनी गई गतिविधियों को हर रोज शामिल किया जाना चाहिए। केवल शिक्षक द्वारा निर्देशित गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन्हीं गतिविधियों से सीखते हैं।